दोस्तों, हम लोग का फ़ोन गुम होना, फ़ोन चोरी होना, मतलब फ़ोन कहीं खो जाना आम बात है, नेचुरल, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कहीं आप गए हैं, आपका बाइक ड्राइव करें तो आपका फ़ोन वहाँ पर भी गिर सकता है, या फिर कहीं पर आप भूल के आ भी सकते हैं, या फिर कहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं, या फिर कहीं अचानक गिर सकता है। तो ये तो नेचुरल बात है, कॉमन बात है, आदमी जानबूझ के सब नहीं करता, लेकिन हो जाता है। लेकिन यार, अब कोई भी इंसान फ़ोन ख़रीदता है, पैसे देकर, पैसे लगाता है उसमें, तो उसको तो दुख होता ही होता है, ठीक है। और साथ ही साथ उसमें उसका पर्सनल चीज़ होता है, उसमें उसका सेव नंबर होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जिससे वो मतलब टेंशन में आता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक के बारे में बताऊंगा, मैं इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, और ना ही आपको मतलब कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारा टिप्स होता है, बहुत सारा ट्रिक होता है कि जो फ़ोन खोया है उसका भी इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और जिसमें आप ढूंढ रहे हैं उसमें तो इंटरनेट ऑन होना ही चाहिए, लेकिन जो फ़ोन खोया है उसमें भी इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आपको जो ट्रिक के बारे में बताने वाला, तो ये किसी एप्लीकेशन के बारे में द्वारा नहीं बताऊंगा, मैं आपको गूगल के द्वारा बताऊंगा। और वो भी, अगर जो फ़ोन आपका खोया है वो फ़ोन आपका अगर इंटरनेट उसमें कनेक्ट नहीं रहे तो भी आप पता कर सकते हैं कि वो फ़ोन मतलब किस किस एरिया में, किस जगह पे है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा बात करना माने करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करने लाइक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उस टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, इसका मतलब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैं जो भी बताऊँगा उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और इस ट्रिप्स को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना है अपने प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो गूगल मैप होता है, गूगल मैप आपको उसे अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट करने के बाद आपको जाना सिंपली अपने फ़ोन के गूगल मैप में, तो यहाँ पर आपको मैं मैप्स में आ जाता हूँ, ठीक है। अब बताया था कि आपको हम किसी खोए हुए फ़ोन का मैप से किस तरह से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है थ्री लाइन्स का, यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट का। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट है, यहाँ पर ऐड है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जीमेल आईडी को यहाँ पर आपको मैनेज कर देना है, या फिर यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करके जो फ़ोन आपका खोया है, जो फ़ोन आपको गुम हुआ है, उसमें जो ईमेल आईडी था, आपको यहाँ पर वो वाला ईमेल आईडी एंटर करना है। मेरे पास थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो फ़ोन आपका खोया है उसमें जो आप ईमेल आईडी डाल के रखे हैं वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको जैसे पूरा ओके हो जाएगा, ओके होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगा आपका योर टाइम लाइन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपका फ़ोन किस एरिया में है, कहाँ से कहाँ गया है। अब आपको दिमाग में एक बात खड़ा रखता होगा, यार मेरा फ़ोन में इंटरनेट ऑन था नहीं, वो कहीं पर भी गया तो मतलब मैप में मेंशन कैसे होगा? जी नहीं, वो अगर आपका फ़ोन कहीं पर भी गया है, अगर आपका फ़ोन इंटरनेट ऑन नहीं रहा है और ऑफ़ रहा है, तो भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो है टोटल एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहा है, मैं कहाँ से कहाँ गया था, और ये 100% यहाँ पर जो है सही दिखा रहा है, क्योंकि मैं तो यहाँ से डेट मैनेज करते, आज मैं यहाँ यहाँ इतना इतना जगह पर गया था। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेट मैनेज का। मान लीजिएगा आपका फ़ोन जिस दिन हराया था, जिस दिन खोया था, उस दिन का अपडेट, मैं फॉर एग्जाम्पल 14 तारीख का देखता हूँ, ठीक है। तो 14 तारीख अब ये दिखा देगा कि मैं कहाँ कहाँ गया था, क्योंकि 14 तारीख को मैं कुछ ज़्यादा दूर ही गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ मैंने गया था। तो यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर दिखाया कि ये बंदा किस किस जगह पर गया है, कहाँ कहाँ गया। तो इससे जूम इन करके आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गया और क्या मतलब किस किस जगह पर गया है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने कल बाइक भी ड्राइव किया था। तो इस तरह से आप उस फ़ोन का, जो फ़ोन आपका गुम हुआ, ठीक है, उस फ़ोन का आप टोटल एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि वो फ़ोन कहाँ कहाँ गया, किस किस एरिया में गया, और किस किस शॉप में वो उस फ़ोन के लेके गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उस मतलब उस फ़ोन का एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी देख सकते हैं कि वो फ़ोन कहाँ कहाँ गया है, और मतलब किस किस जगह से वो फ़ोन गुजरा है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम लोग पता रहती फ़ोन उसी पर्सन के पास है, लेकिन हम लोग मतलब उसके मतलब कंफर्म होकर नहीं बोल पाते कि भाई फ़ोन मेरा, फ़ोन तुम्हारा है, तुम्हारे ही पास है, तुम हमको फ़ोन दो। तो हम लोग मतलब सीरियसली होकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप मतलब कन्फर्म हो सकते हैं कि नहीं, फ़ोन उसी बंदे के पास है, वो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। दोस्तों, मैं पावर हाउस अब देख पा रहा हूँ, यहाँ पर पावर हाउस। तो सर, आप मेरे कल अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे यहाँ जो नीतीश कुमार आए थे, तो मैं वहाँ पर गया था। तो यहाँ पर एक पावर हाउस है, ठीक है, लक्ष्मीपुर वाला रोड पे, ठीक। तो मैंने वहाँ पर गया था, तो मैंने वहीं तक ही गया था। तो यहाँ पर भी वो लोकेशन कल का दिखा रहा है कि आप यहाँ से गए हैं। उस समय मैंने गया तो इधर से था, लेकिन इधर से कच्ची रोड जो गया है, इधर आप देख पा रहे हैं ये वाला रोड कच्ची रोड होते हुए, मैं इधर से थोड़ा सा इधर गया था, उधर जाने के बाद फिर इधर से मैंने वापस आ गया था, ठीक है। तो ये एक नहर है, ये जो लोकेशन दिखा रही है परफेक्ट जो करंट लोकेशन है, मतलब रियल लोकेशन है, ये रियल लोकेशन आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मतलब आपको खोए हुए फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस मैप का मैप में आपको वही वाला जीमेल आईडी डालना होगा जो जीमेल आईडी आपके खोए हुए फ़ोन में था, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपको फ़ोन कहाँ कहाँ गया। तो इस तरह से आप उसे पता कर सकते हैं और उसे ट्रैक कर सकते हैं।
तो मुझे ये बहुत ही यूजफुल लगा। हालांकि ये अपडेट कुछ दिन पहले ही हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने फुर्सती से इसे मतलब आपको सही से समझा दिया। दोस्तों अगर आपको मतलब ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब ये ट्रिक मतलब रियल लगता है या फिर आपको फेक लगता है, ठीक है। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल रियल लग रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जहाँ जहाँ गया था यहाँ पर टोटल का मेंशन दिख रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं, यानी कि 14 तारीख का वीडियो देख सकते हैं। 14 तारीख को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो वो मतलब न्यूज़ से रिलेटेड था, तो मैंने यहाँ पर हुआ था इसलिए मैंने जानबूझ के वो डाल दिया था, हालांकि मेरे चैनल उससे रिलेटेड नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना सा, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए देर से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।